हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2019 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल द्वारा आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च और मीडिया में विज्ञापन के प्रकाशन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा 24 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है जो चुनाव में चुनावी खर्चे पर निगरानी रखेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रुपए की राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरने से पूर्व अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित हर प्रकार का खर्चा इसी बैंक खाते से करना होगा। फोर्स का इंतजाम 200 कंपनियां हमने मांगी हैं भारत सरकार से, केंद्रीय सैनिक बलों की और उसके अलावा जितनी हमारे पास है राज्य में वो पर्याप्त है और हमें लगभग अपनी मांग के अनुरूप मिलने की पूरी उम्मीद है। सर, जो मैंने आपको बताया कि 24 विभागों का रोल है तो उसमें जितने बैंक्स हैं, स्टेट लेवल पर बैंकर्स कमेटी का जो कन्वीनर है उनको भी बुलाया था और उनको दिशा निर्देश दिए हैं और दे विल गिव अ डेली रिपोर्ट टू माय ऑफिस अबाउट सच ट्रांजेक्शन। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी उनको निर्देश दिए गए हैं कि विशेष निगरानी रखी जाए ताकि कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स ना हो और कोई अनऑथराइज विड्रॉल ना। अभी तो ईवीएम तो हम पॉलिटिकल पार्टीज की हर मीटिंग में यूज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। आज भी ईवीएम वहाँ पर रखी हुई थी और सब लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वीवीपैट में देखा तो आज तक तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई शिकायत ईवीएम्स के बारे में नहीं आई। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।